चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां हमारे कार्यकाल में 1133 कॉलोनी अप्रूव हुई है। ये सीएम की ओर से कहा गया, 450 नई कॉलोनियों को अप्रूवल दिया गया है। फरीदाबाद में 188, सोनीपत में 162 कॉलोनी शामिल है। गांव के आसपास भी कॉलोनी बनाई गई। सीएम की बड़ी बातें, जहां 2014 से 22 तक 685 कॉलोनियां नियमित की गई है। एचएसडीपी का भी एक नियमित दायरा है। कच्ची कॉलोनियों के लिए सरकार ने विचार किया। यमुनानगर की 195 कॉलोनियां भी अप्रूव की गई हैं, 6 मीटर होनी चाहिए। ये तमाम बातें सीएम की ओर से कही गई है कि कॉलोनी के जो अप्रोच है वो 6 मीटर होनी चाहिए। जो है अनप्लैंड, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जाता है। फिर भी मैं समझ सकता हूँ आखिर लोगों की मजबूरियां, क्योंकि उतने मकान भी जिस कीमत पर लोगों को चाहिए, जिस कॉस्ट के हिसाब से चाहिए, उतने न तो डेवलपर्स लाइसेंस लेके बना पाते हैं, और एचएसवीपी का भी एक लिमिटेड दायरा है, उस हिसाब से वो भी अपना बनाते हैं, तो सबके लिए शायद आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे अनअप्रूव्ड कॉलोनीज का पिछले कई वर्षों से ये क्रम लगातार चलता रहा है। हमने जब शासन में आया तो विचार किया कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो उस क्रम को आगे बढ़ाया। हमारे डिपार्टमेंट, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज है, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग है, इवन गांव के आसपास भी कुछ कॉलोनियां बनती हैं, तो रूरल डेवलपमेंट को भी कहा है कि रेगुलेटेड कॉलोनीज की संख्या बढ़नी चाहिए, और जो पहले बन गई हैं उन पर कुछ ना कुछ जो पहले वाली शर्तें हैं उनमें कुछ छूट दे करके उनको अप्रूव करके, ताकि उनके ऊपर एक तलवार इलीगैलिटी का या एनक्रोचमेंट जो होती है उसका, वो तलवार न लटके रहे, उनको सुविधा दी जाए। 2014 से 22 तक 685 कॉलोनियां हमने नियमित की थी, और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई भी किया, हमने रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें आज फिर इस वर्ष 2023 के अंदर पीछे 131 कॉलोनी का नोटिफिकेशन हुआ भी था, लेकिन उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से सारा तैयार नहीं था। आज कुल मिलाकर दोनों विभागों की ओर से, अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से मिलाकर, वो 131 भी उसमें मिला ली गई हैं, तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है, जिसका सारा फॉर्मेलिटीज जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन या तो हो गया होगा या फिर आज हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियां थी वो 874 अप्रूव हुई थी, और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियां अप्रूव हो गई हैं, लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियां और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं। उसमें आगे चल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है।